14707 रणकपुर एक्सप्रेस में P7 जा रहा है। वाह, आज 14707 बीकानेर से दादर रणकपुर एक्सप्रेस में P7 इंजन जा रहा है अटैच होके। इसका मतलब है बहुत जल्दी गाड़ी चलने वाली है इलेक्ट्रिक से। 30414 गाजियाबाद, आगे डीजल लगा हुआ है। दोस्तों नमस्ते। विगत पिछले 12-15 दिनों से 14707 ट्रेन के अंदर एक WAP7 इन लोको 20 के साथ डीजल के साथ लग के जा रहा है। ऐसा मानना है कि आगे जोधपुर के अंदर डीजल को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से बदलने में समय लगता था, उसको बचाने के लिए ये एक अभिनव प्रयास किया गया है। और इसमें जोधपुर में सीधा ये डीजलों को ऐसे कट के हट जाता है और आगे की संपूर्ण यात्रा भी WAP7 ही इसको लेके जाता है। ज्ञात है कि आपको मैं बता दूं चलते चलते कि जोधपुर से लेकर दादर तक संपूर्ण लाइन इलेक्ट्रिफाइड है और यहाँ से कंटिन्यू इलेक्ट्रिक ट्रेन ही चलती हैं। इसलिए टाइम सेविंग मोड के अंदर ये काम किया गया है जो पिछले 12-15 दिनों तक लगातार चल रहा है। तो ये छोटा सा आज का इस ट्रेन के माध्यम से अपडेट था, आशा है आपको अच्छा लगेगा। और चलते चलते एक लेटेस्ट अपडेट और दे देता हूँ कि बीकानेर से चलने वाली 14707 और 14708 आने वाली दोनों ट्रेनों में 1/11/2023 से 3/3 स्लीपर के डब्बे इसमें लग रहे हैं, जिसके कारण यात्रियों का जो भार है और आवश्यक वेटिंग लिस्ट चल रही है वो सबको नलीफाइड किया जाए, कम किया जाए। उसके लिए एक महीने तक रेल प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। यह है 14707 बीकानेर से दादर रणकपुर एक्सप्रेस साथ P7 के साथ जोधपुर से इसको कंटिन्यू इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, आगे कंटिन्यू हो जाएगा, डीजल कट जाएगा इसमें से। P7 इसके अंदर डेली लग रहा है। फुली ICF कोचेस से है, बहुत जल्दी इसको LHB कोच प्रोवाइड किए जाएंगे, सेंक्शन हो चुका है। रणकपुर एक बहुत पुरानी और शानदार गाड़ी बीकानेर के लिए।
दोस्तों सुप्रभात, आज है संडे का दिन और आज हम आपको दो गाड़ी दिखाने वाले हैं। एक है 14707 बीकानेर से रणकपुर, बीकानेर से चलने वाली दादर रणकपुर एक्सप्रेस, जिसके अंदर आगे तो हमें एज यूजुअल एक डीजल लोको लग रहा है और उसके जस्ट पीछे WAP7 इन लोको चलता है। और ये इसलिए चलता है टाइम सेविंग मोड बनाने के लिए कि आगे जोधपुर में जाकर उसको ज़्यादा रिवर्सल करना, लोको हटाना लगाना ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आगे से सिर्फ डीजल लोको को वहाँ से गुड बाई कह देते हैं। और ये बाकी ट्रेन चूँकि जोधपुर से लेकर आगे बांद्रा तक और दादर तक कंप्लीट एंड टू एंड इलेक्ट्रिक हो चुकी है, इसलिए वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक के रूप में जाती है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ ही जाती है जो कि ये लगा हुआ है। और दूसरी ट्रेन है इसी ऊँचे ऊँचे डेजर्ट के टीलों के अंदर से हम आपको दिखाते हैं, शानदार डेजर्ट के अंदर 16587 16587 यशवंतपुर बीकानेर बाई वीकली एक्सप्रेस, शानदार LHB कोचेज के साथ, ऊंचे ऊंचे टीलों के साथ, बढ़िया लोकेशन में और अच्छी हॉकिंग के साथ निकलेगी। आशा करता हूँ राजस्थान का आनंद लेने में आपको भी मेरे साथ मजा आएगा, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आज प्रातः की वेला में ही। और आप देख रहे हैं ये वीडियो मेरे साथ, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डिजाइन। थैंक यू ट्रेन, हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय। ये आ रही है 14707 बीकानेर से दादर रणकपुर एक्सप्रेस और हम हैं उधरामसर, और ये दिखाई दे रहा है पीछे बीकानेर, यहाँ से करीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर है। ये देखिए यशवंतपुर से चलकर आने वाली 16587 यशवंतपुर बीकानेर, शानदार एक्सप्रेस जो वाई वीकली है, वह ऊंचे ऊंचे टीलों में से निकल के और राजस्थान के इस घने सघन मरु प्रदेश में आ रही है। और इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, आपका दोस्त राकेश शर्मा, जो बहुत ऊंचे ऊंचे टीलों के ऊपर से निकलती हुई ट्रेन LHB की और एक शांत वातावरण में अच्छे हॉकिंग के साथ निकल रही है। एंजॉय लीजिए, चूँकि ये ट्रेन अभी रणकपुर 14707 के लिए उधरामसर में क्रॉस के लिए खड़ी थी, इसलिए इसको ये स्पीड में तो नहीं निकलेगी, मगर हाँ फिर भी एक एंजॉय जरूर आएगा। डिजिटली मेरे साथ देखते रहिए, अच्छा लगे अपने कमेंट और लाइक देना, जिसका कि मैं बेहद इंतज़ार करता हूँ। और मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डिजाइन बीकानेर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
यशवंतपुर बीकानेर 16587। यशवंतपुर बीकानेर 16587।